जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं सेशन 2024 के लिए। अब काफी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि यार पता तो चले सीयूटी के अंडर में कौन से कोर्स आने वाले हैं, क्या जामिया का पहले जैसा एंट्रेंस एग्जाम ही रहने वाला है, और इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट जो यूजी कोर्सेज में अप्लाई करने वाले हैं वो परेशान थे। तो हमारे पास एक नई अपडेट आई है और साथ में ऑफिशियली सब कुछ रिलीज कर दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कि किस दिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, कौन से कोर्सेज सीयूटी में लिए जाएंगे। इसके लिए पूरा का पूरा पोर्टल इनका प्रिपेयर है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए ये है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो है एडमिशन वाली वेबसाइट। तो यहां पे इनका एक लिंक होता है jmicoe.in, इस वेबसाइट पे ही आप लोगों को जो है एडमिशन रिलेटेड सारे की सारी चीजें देखने को मिलेगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहीं से फिल कर पाएंगे। अब हम जाते हैं इनके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ जो कि इन्होंने कल एक रिलीज करा है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी को जो है ये नोटिस आया है हमारे पास। तो 20 फरवरी को आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। ₹700 एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होने वाली है और ₹550 उन कोर्सेज में फीस होगी जो कि अपना बीटेक और बीआर के लिए अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म किसको भरना है और किस कोर्स के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन कब होगी वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन जो लिया जाने वाला है इस बार जामिया में, सेम 15 कोर्सेज में एडमिशन लिया जाएगा। कुछ भी नहीं आया है बदलाव, पहले हमें लग रहा था कि भाई कुछ चेंजेस आएंगे, सेम एज इट इज वही प्रोसेस है। 15 कोर्सेज के लिए इन्होंने सीयूटी को ऑप्ट करा है। बीए ऑनर्स इन तुर्किश, संस्कृत, फ्रेंच और साथ में स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन, पर्शियन, बायोटेक्नोलॉजी, बीवॉक इन सोलर एनर्जी, तो वो कोर्सेज के अंदर आप लोग जो है सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। ये सारे कोर्सेज की लिस्ट इन्होंने यहां पे मेंशन कर दी है। सामने आपके पास एक और लिस्ट है जो कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, जिनके अंदर आप लोगों को सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है। M03, M69 का कोर्स कोड है, MN पर्शियन संस्कृत, इन कोर्सेज में ये जो है आप लोगों का सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। बाकी सभी कोर्सेज के अंदर आप लोगों का एडमिशन जो है JMICET के बेसिस पे लिया जाने वाला है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जहां पे आप लोगों को जो है इनका देखने को मिलेगा कि भाई कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट तक अवेलेबल है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है कि भाई सीयूटी और जो है JMICET को दोनों को अलग अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। तो देखिए आप लोगों का प्रोस्पेक्टस कल आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कल से निकल गए हैं। 30 मार्च तक आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो स्टूडेंट JMI के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, JE के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, नाटक के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, सीयूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीयूटी के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, 30 मार्च तक ही आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन जो फॉर्म की एडिटिंग आप लोगों की होगी वो होगी 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप लोग अपना फॉर्म के अंदर एडिटिंग कर पाएंगे। आप लोगों के एडमिट कार्ड जो JMICET के बेसिस पे एंट्रेंस देने, मतलब एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो स्टूडेंट 15 अप्रैल को जो है अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 25 अप्रैल से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग रिजल्ट आप लोगों का 31 अक्टूबर, यानी कि इस डेट तक आप लोग जो अपनी मार्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में। अब साथ में एक नोट और आप लोगों को देख लेना है, जो स्टूडेंट JEE नाटा के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई करने वाले हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा ना उससे 10 दिन पहले आप लोगों को जो है एडमिशन फॉर्म जो है दे दिया जाएगा, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय रेस्पेक्टिव एजेंसी एडमिशन फॉर्म आप लोगों का तभी आएगा, तब आप अपना फिल कर लेना। जो स्टूडेंट अभी JMICET के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं उनको तो अभी करंट पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना ही होगा। तो ये है अभी नोटिफिकेशन की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस, जो कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप लोगों को जानना जरूरी, वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप JMICET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन से कोर्सेज है जिनके अंदर JMICET लिए जाने वाला है और साथ में उनकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्जाम की, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस कैसे चेक करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो बस बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस देते हैं एडमिशन की। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और जुड़ जाइए हमारी लाइव क्लासेस के साथ ताकि आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट एडमिशन मिल सके इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मिल रहे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो